पापा आपने आदित्य से कुछ कहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। बेटा, अगर मेरी बातों से उसे कुछ फर्क पड़ता तो वो कब से तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा होता। मतलब? अरे वो दिशा, दिशा। नमस्ते अंकल जी। तो तुम भी बैंक की तैयारी करते हो क्या? जी अंकल जी। तुझे पता है मेरे दो दामाद सरकारी कर्मचारी हैं, एक इंजीनियर है और दूसरा रेलवे विभाग में है। दिशा बता रही थी अंकल जी। और दिशा की भी शादी सरकारी कर्मचारी से ही करूँगा। ठीक है अंकल जी, आप सबको बता सकते हैं कि जो आपका तीसरा दामाद होगा वो बैंक मैनेजर होगा। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम कोचिंग जाओ, लेट हो रही हो, आदित्य कह रहा था। चलो दिशा। नमस्ते अंकल जी। अच्छा, तो यही रीजन था इस टाइम आदित्य के दिन रात पढ़ने का। आदित्य घर पर है? रुकिए एक मिनट। बेटा तुमसे कोई मिलने आया है। मम्मी अभी मिलने का मूड नहीं है, कह तो पेपर देने गया हूँ। आपको झूठ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपके बेटे से मिलकर ही जाऊंगा। बैठिए। कौन है? कह रहा बिना मिले नहीं जाएंगे। आप बैठो, मैं देखता हूँ। अंकल मैं आपको जानता नहीं। आदित्य, क्या हम लोग अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आप मेरा नाम भी जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको अंदर नहीं बैठा सकता। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले चलिए, कहिए अंकल कौन है आप और कैसे आना हुआ मेरे घर? बेटा मैं सब कुछ बताऊंगा, अपने बारे में भी। देखिए अंकल मैं बहुत परेशान हूँ, तो जो भी कहना है साफ कहिए। पढ़ाई के साथ कोई जॉब भी करते हो? अगर प्राइवेट जॉब मंजूर होती उनको तो अब तक अच्छा खासा पैकेज उठा रहा होता। किसको? अरे छोड़िए अंकल, आप बताइए आप किस लिए आए हैं। बेटा अपनी जिंदगी की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए, वरना लोग गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। पापा आप अपना फोन दीजिएगा, एक बार आपके नंबर से ट्राई करती हूँ। देखिए अंकल, ना तो आप मेरे बारे में जानते हैं और ना मैं आपके बारे में जानता हूँ, तो बेहतर होगा कि हम लोग काम की बात करें। ठीक है बेटा, आप अपने एजुकेशन के बारे में हमें बताइए, फिर आगे बात करते हैं। बीटेक किया हूँ अंकल, लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कितनी तैयारी की थी मैंने आज के एग्जाम के लिए।
हाँ दिशा, क्या कर रहे थे? यार रीजनिंग सॉल्व कर रहा था। यार बैंकिंग अवेयरनेस कितनी टफ है, कोई ट्रिक हो तो बताना। यार टफ तो है। चल एक काम करता हूँ, मैं शाम तक तो बताता हूँ तुझे देख के, ठीक है? बाय। ठीक है बाय। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, कभी नहीं सोचा था बीटेक करने के बाद बैंक की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो याद हो चुके हैं, कल नहीं वो कैब लिखूंगा। आप बात कर लीजिए वर्मा जी से, फिर बात करते हैं। आप जानते हैं इन्हें अंकल? आपका कितना भी बड़ा काम हो इनसे हो जाएगा। अंकल मैं बीटेक किया हूं और 14 लाख के पैकेज का ऑफर भी आया था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं बैंक पीओ की तैयारी करूं, क्योंकि मैं और इनकी बेटी दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि दिशा की शादी किसी और के साथ हो जाए। बस इतनी सी बात, फोन करके बुलाइए इनको बेटी के साथ। लेकिन अंकल आप टेंशन फ्री होकर के फोन मिलाइए। एक मिनट। हेलो दिशा, कहाँ थे तुम जो तुम्हारा फोन नहीं उठ रहा था? पापा के फोन से भी किए तब भी तुम्हारा फोन नहीं उठा। यार अंकल को लेके जल्दी से घर आ जाओ। अरे हुआ क्या, कुछ तो बताओ आदि। बस तुम आ जाओ, इमरजेंसी है, मैं सब कुछ यहीं बताता हूँ। हेलो, अब शायद अंकल जी शादी के लिए मान जाएं। पेपर ले आए, बाकी लोन हो जाएगा। पापा पापा जी, वो आदित्य का फोन आया था, बहुत परेशान लग रहा है। बेटा सब ठीक तो है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, बस कह रहा था बस जल्दी से आ जाओ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हे भगवान सब ठीक हो। अंकल अगर दिशा के पापा शादी के लिए मान गए ना, तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ लोगों के एहसान इतने बड़े होते हैं कि अगर खुद की जिंदगी भी गिरवी रख दी जाए तो भी कम है। अरे सर आप यहाँ? होने वाले छोटे दामाद को बधाई नहीं देंगे आप? सर मैं कुछ समझा नहीं, किस चीज की बधाई? अरे वर्मा जी, जिस बैंक में आप क्लर्क हैं वहां के नए सीईओ हैं ये। क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? ये रहा इसका ज्वाइनिंग लेटर।
क्यों बेचारे की बेइज्जती कर रहे हैं? ये तो बैंक पीओके मेंस का एडमिट कार्ड है इसका। एम्बुलेंस अंकल, आप हैं कौन और ये आपके पास कैसे आया? बेटा, जिस लड़के को तुमने आज अपना एग्जाम छोड़ करके बचाया है वो मेरा इकलौता बेटा है। और जिस बैंक का मैं तुम्हें सीईओ बना रहा हूं, मैं वहां का चेयरमैन हूं। पापा, कभी कभी सरकारी नौकरी का एग्जाम पास करना ही जरूरी नहीं होता है, लेकिन वक्त द्वारा लिया गया जिंदगी का इम्तिहान पास करना बहुत जरूरी होता है। किसी की भी जान बचाने से भी ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं होता। परिश्रम और दया का भाव अगर हो जहन में तो ईश्वर का आशीर्वाद तुमसे कभी अलग नहीं होता। इम्तिहान तुम अपने मुताबिक कदम कदम पर देते रहोगे, पर जीवन में खुदा द्वारा ली गई परीक्षा से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान नहीं।